शारदीय नवरात्रि 2023 नवमी तिथि कब? शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर 2023 को है। ये दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। अश्विनी शुक्ल पक्ष नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 से 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 तक रहेगी। नवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन यज्ञ कर नवरात्रि के 9 दिन की पूजा व्रत सम्पन्न किए जाते हैं। नवमी तिथि की पूजा का शुभ मुहूर्त टाइम टेबल 23 अक्टूबर सुबह 6:27 से शुरू होकर सुबह 7:51 तक रहेगी। दोपहर का मुहूर्त है 1:30 से शुरू होकर दोपहर 2:55 तक रहेगी। शाम का पूजा करने का मुहूर्त है शाम 4:19 से शुरू होकर रात 7:19 तक रहेगी। शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब? शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसके बिना देवी दुर्गा की 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिलता है। कन्या पूजन अष्टमी नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। इसके लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही एक बटुक को भी आमंत्रित करें। अपने घर बुलाकर उन्हें हलवा पूरी चना खीर मालपुए फल मधुर सभी तरह के पकवान से उन्हें भोग लगाएं, उन्हें खिलाएं, दक्षिणा दे वस्त्र दान करें श्रृंगार दान करें और आखिर में कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें। शारदीय नवरात्रि 2023 व्रत पारण। शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद किया जा सकता है। निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए और दशमी को व्रत खोलना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में देवी पूजा का विशेष लाभ होता है। देवी दुर्गा तेज शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना करने से बालकों के सुख शक्ति तेज बल आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। नवरात्रि व्रत के समापन पर कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि 9 कन्याओं की पूजन के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्याओं को अपार शक्ति मां जगदम्बा का स्वरूप मानकर आदर सत्कार करने से एवं भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज नवरात्रि की नवमी तिथि है। अश्विनी शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता है। में माता के सभी स्वरूप समाहित होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का फल अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। माता की पूजन के बाद हवन होता है। हवन में जो भी पंडित जी आपको बताएंगे जो भी सामग्री बताएंगे उस हिसाब से आप हवन करेंगे, हवन सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद होता है कन्या भोजन। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दे वस्त्र दान करें श्रृंगार की चीजें दान करें। ये सभी चीजें देकर उनसे आशीर्वाद ले और उन्हें प्रणाम करके विदा करें। इसके बाद अगर आपने पहले दिन से व्रत रखा है तो पहले दिन से लेकर नौमी तिथि तक व्रत रखी जाती है। तो अगर आपका 9 दिन का व्रत है तो नौमी तिथि के बाद दसवीं तिथि आती है तो दसवीं तिथि को ही आप पारण करेंगी। अगर आपने केवल अष्टमी तिथि का ही व्रत रखा है तो नौमी तिथि को कन्या खिलाने के बाद आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करें और दूसरे अदर भोजन भी ग्रहण करें। अगर आपने अष्टमी तिथि को कलश बैठाया हुआ है, अखंड ज्योत जलाई हुई है तो ज्योत को जलने दें, ज्योत को बुझाया नहीं जाता है, केवल कलश को हिलाया जाता है। ये काम आपको दसवीं तिथि को करना है, कलश को जरा सा हिलाना है और इसके बाद जो कलश पर जो भी चीजें आपने रखी हुई है वो सभी चीजें बारी बारी करके आपको उठा लेना है। तो इसकी भी वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है तो आप इसे यहां से देख सकती हैं। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, शुभ रात्रि, हैप्पी नवरात्रि।